फ्रेंड्स, आज मैं एक चीप व्हिस्की को प्रीमियम व्हिस्की में कन्वर्ट करूंगा। आज मैं ये जो सारे व्हिस्कीज है ना, ये एक साथ मिला के एक नया ब्लेंड बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा उसका टेस्ट प्रोफाइल। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या हम लोग घर में ऐसे कुछ व्हिस्कीज को मिला के अपना ब्लेंड बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मैं तो बोलूंगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक फैंटास्टिक व्हिस्की मिलेगा, जो आपका दोस्त लोग सोचेगा कि बहुत ही एक्सपेंसिव एक व्हिस्की है। आइए आज इस वीडियो से सीखते हैं कि कैसे इन सब व्हिस्कीज को इकट्ठा ब्लेंड करके एक प्रीमियम ब्लेंड बनाते हैं घर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बार्टेंडिंग सीखना चाहते हैं? तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन द स्पिरिट विद्यालय, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा बार्टेंडिंग। डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग सब जानते हैं कि एक व्हिस्की को बनाने के लिए बहुत सारे व्हिस्कीज को मिलाने पड़ते हैं। क्या आपको ये मालूम नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्हिस्कीज को बनाने के लिए, जैसे कि ये है ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की, और ये व्हिस्की को बनाने के लिए अराउंड 27 और उससे भी ज्यादा अलग अलग व्हिस्की को मिलाया गया है। अगर मैं बात करूं इंडियन व्हिस्की का, तो यहाँ पर मोस्टली 2 और 3 अलग अलग व्हिस्की का मिश्रण होते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कोई भी व्हिस्की को बनाने के लिए एक और उससे ज्यादा अलग अलग व्हिस्की को मिलाना पड़ता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं या मेरा दोस्त बोला करते हैं कि मान लेता हूँ कि मैं टीचर्स पी रहा था और ये खत्म हो जाती है, तो फिर मैं अगर कोई अलग व्हिस्की में स्विच करना चाहता हूँ या कोई दूसरा व्हिस्की पीना चाहता हूँ, तो फ्रेंड मना कर देता है, बोलता नहीं 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 ऐसा मत कर, क्योंकि ये दो व्हिस्की को तू मिला लेगा तो पेट में जाके कॉकटेल बन जाएगा और तू क्विकली इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका गलत फहमिया है, ये गलत सोच है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एक व्हिस्की को बनाने के लिए बहुत सारे व्हिस्की को मिलाने पड़ते हैं और उसी को बोलते हैं ब्लेंडेड व्हिस्की। आइए आज एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, आज एक ब्लेंड बनाते हैं, मतलब एक चीप व्हिस्की को एक प्रीमियम व्हिस्की में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो क्या आपको इसके लिए रॉकेट साइंस का जरूरत है? ऑफ कोर्स नहीं यार, घरेलू तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। मैं ना ये मैकडॉनल्ड्स व्हिस्की है, इसी को प्रीमियम व्हिस्की में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक अच्छा ऐसा कुछ डिकेंडर चाहिए, जहाँ पर मैं अपना व्हिस्की को मिक्स करूंगा 1 by 1। और ये मेरा एक डिकेंडर टीचर्स कंपनी से मुझे मिला हुआ था, तो थैंक यू टीचर्स कंपनी। चलिए, तो आज इसमें बनाते हैं वो पर्टिकुलर ड्रिंक को। तो फिर कैसे बनाने पड़ेंगे यार, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिंपली कोई ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की लेना है, एक रेगुलर इंडियन व्हिस्की लेना है और कुछ प्रीमियम सिंगल मॉल्ट लेना है, सिंगल मॉल्ट व्हिस्की। तो जैसे कि मेरे पास आज है टीचर्स एक ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की है, तो मैं इसको आज इस्तेमाल करूंगा। साथ में थोड़ा सा बर्बन उसकी बचा हुआ है, इसको भी मैं यूज़ करूंगा। आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, हो जाएगा, बर्बन नहीं है तो भी चलेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि यह है वो चीप व्हिस्की मैकडॉनल्ड्स, इसी को मैं इसमें डाल के इसको प्रीमियम बनाऊंगा। और सिंगल मॉल्ट के तौर पर मैं आज इस्तेमाल करूंगा इंद्री को। तो आपके पास अगर ग्लेनफिडिक है, ग्लेनलिवेट है, कुछ भी है चलेगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी इंडियन व्हिस्कीज को प्रीमियम बनाने के लिए ब्रांड अक्सर स्कॉच मॉल्ट व्हिस्कीज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अगर मैकडॉनल्ड्स का बात करूं, तो यहां पर देखिए लिखा है फर्स्ट अक्षरों से ब्लेंडेड विद स्कॉच मॉल्ट व्हिस्की। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर व्हिस्की में इंडियन व्हिस्की है और साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में स्कॉच व्हिस्की को मिलाया गया है या ब्लेंड किया गया है। अब कितनी मात्रा में? 2 to 12%। अब डिस्टिलर ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि कितने मात्रा में डाला गया है, बट 2 to 12%। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट व्हिस्की को, तो बेहतर बन जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये ट्रिक। चलिए, तो पहले मैकडॉनल्ड्स व्हिस्की को डालते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर आपको कितना डालना है। मैं यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स डालूंगा अराउंड 400 ml के करीब करीब। तो चलिए मैकडॉनल्ड्स पहले डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं अराउंड 400 ml की करीब करीब मैकडॉनल्ड्स व्हिस्की को डाल दिया। अब ये है रेगुलर ऑर्डिनरी बजट फ्रेंडली व्हिस्की। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 60 ml
बोर्बन व्हिस्की को डालूंगा। तो आपके पास अगर बर्बन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इस प्रोफाइल को चार चंद लगा लेके नहीं, थोड़ा बर्बन व्हिस्की मिला देंगे तो और भी मस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डालूंगा टीचर्स व्हिस्की को, जी हाँ टीचर्स, और ये मैं डालूंगा अराउंड 120 ml। यह है स्कॉच व्हिस्की, ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की 12 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो व्हिस्की ना इसमें प्रोफाइल ऐड करेगा, मतलब इस व्हिस्की में खुशबू ऐड करेगा, प्रोफाइल ऐड करेगा, कैरेक्टर ऐड करेगा, जो रेगुलर व्हिस्की है इसमें आपको प्रोफाइल देगा। तो चलिए 120 ml मैं इसमें डाल दिया। अब आती है सिंगल मॉल्ट की बारी, तो मैं यहाँ पर इंडियन व्हिस्की को चुन के रखा हूँ। अगर आपके पास ग्लेनफिडिक है, ग्लेनलिवेट है या कुछ भी ऐसा किस्म का व्हिस्कीज है आप इसको डाल सकते हैं, और ये मैं डालूंगा 120 ml। और ये इतनी खुशबूदार व्हिस्की है मैं क्या बताऊँ, इस व्हिस्की को प्रीमियम बनाने के लिए बहुत मदद करेगा। तो चलिए इसको डालते हैं 120 ml। तो चलो 60 ml मॉल्ट व्हिस्की, सिंगल मॉल्ट, और मैं थोड़ा मात्रा में मतलब 60 ml और डालूंगा। तो ये हो गया आपका एक प्रीमियम व्हिस्की, जी हाँ 750 ml का एक प्रीमियम व्हिस्की। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूंगा, तो ये ना एक ऐसा खुशबूदार व्हिस्की बन चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे। कभी आप ये कोशिश करके देखिए और फ्रेंड को पिला कर देखिए, मैं बोलूंगा यार आपका फ्रेंड जो है ना सब मानने लगेगा आपको, बोलेगा यार अपने बहुत एक्सपेंसिव व्हिस्की पिलाए, बट अल्टीमेटली इसमें मैक्सिमम जो है वो है चीप व्हिस्की। वाओ क्या खुशबू है। अगर आप और भी इसको प्रीमियम बनाना चाहते हैं तो जो 400 ml मैंने मैकडाउल्स को डाला, या 200 ml कर सकते हैं या 300 ml भी दे सकते हैं, और बाकी जैसे जैसे मैंने मिलाया आप ऐसे मिला सकते हैं, तो और भी प्रीमियम लगेगा। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि खुशबू कितनी चाहिए, जितनी खुशबू आपको चाहिए उतना कम स्पिरिट, मतलब लोकल बजट फ्रेंडली उसको कम मिलाइए, और सिंगल मॉल्ट को ज़्यादा मिलाइए तो आपको खुशबूदार उसके मिलेगा। अब ये बन गया है मेरा ब्लेंड, और मैं अब इसको टेस्ट करूँगा। आ गया है एक ग्लास, और इस ग्लास में मैं 30 ml पोर करूँगा, ज़्यादा नहीं पीऊँगा क्योंकि मैं मॉडरेट ड्रिंकिंग करता हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा मत पीजिए बिल्कुल, क्योंकि अल्कोहल बनी है मतलब इन्जॉयमेंट के लिए, ना कि इंटॉक्सिकेशन के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो ये 30 ml उसकी मैं टेस्ट करूँगा और शेयर करूँगा इसका टेस्ट प्रोफाइल। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर मॉल्ट व्हिस्की का बहुत अच्छा खुशबू है, जी हाँ ये मैंने सिंगल मॉल्ट जो डाली है इसमें ना वो बहुत खुशबूदार बना दिया है इस व्हिस्की को, साथ साथ 12 ईयर्स ओल्ड एक्सपेंसिव स्कॉच व्हिस्की भी है इसमें, तो उसका भी बहुत सारा खुशबू, जैसे कि वनीला नोट्स मिल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया इस पर्टिकुलर रेगुलर व्हिस्की को, चीप ब्रांड को प्रीमियम बना दिया। और मैं अगर इसमें एक आइस डालता हूँ तो ये और भी कमाल हो जाएगा, तो मैं एक आइस ले लूँगा और इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर पीऊँगा, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मेरा अपना ब्लेंड है। फ्रेंड ये जो व्हिस्की है इसका रिएक्शन वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, मैं फ्रेंड के ऊपर अप्लाई करूँगा और पूछूँगा कि ये व्हिस्की कैसा लग रहा है और कौन सी कैटेगरी का ये व्हिस्की है, और उन लोगों का जो रिएक्शन है वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।